हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको मटर को जल्दी छीलने का तरीका बताने वाले हैं। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और उनके लिए खाना बनाना है और उनको जाने की जल्दी हो, तो कैसे हम कम टाइम में खाना बना सकते हैं। यदि आपको मटर पनीर या मटर से रिलेटेड कोई भी सब्जी बनानी हो तो मटर को छीलने में आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। यदि 1 kg मटर छील रहे हैं तो करीब 15-20 मिनट लग जाते हैं। जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे आप करीब 5 मिनट में ही मटर को छील सकते हैं और कम समय में ही अपने मेहमानों को खाना बनाकर खिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इसमें कोई मटर खराब है तो इसे अलग निकाल लेंगे। तो हम मटर को एक अलग बर्तन में अच्छे से वॉश कर लेंगे। करीब 2-3 बार वॉश करना है जिससे कि इसमें जो भी गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाए। मैंने इसे करीब 2-3 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है। हमें पानी को इतना लेना है कि हमारी जो मटर है वो अच्छी तरह से डूब जाए, पानी जल्दी से गर्म हो जाए। इसके लिए हम इसे ढक देंगे। करीब 4-5 मिनट में हमारा ये पानी गर्म हो जाएगा। हमें याद रखना है कि पानी को बॉयल नहीं होने देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि पानी कितना गर्म हुआ है। इसमें बुलबुले आ रहे हैं, बस इतना ही पानी गर्म करना है। अब पानी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। मटर को गर्म पानी में डालने के बाद हमें करीब 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है। मटर को गर्म पानी से निकालकर किसी अलग बर्तन में रख लें जिससे कि वो ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर कितनी अच्छी तरह से आसानी से छिल जाएगी, जिसमें आपको कोई भी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी उंगलियों में दर्द होगा और आराम से मटर छिल जाएगी। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।